मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और उप मुख्यमंत्री जिष्णु देववर्मन को एडीसी क्षेत्र में टाउनशिप बिल समिति बनाने के उनके निर्णय पर बधाई देते हुए भारतीय जनता मोर्चा 48 अम्बासा मंडल समिति की पहल पर गुरुवार को अम्बासा उप मंडल में एक धन्यवाद रैली आयोजित की गई। रैली में भाजपा जनजाति मोर्चा धलाई जिला समिति के अध्यक्ष हंसराज त्रिपुरा और जनजाति मोर्चा अम्बासा मंडल के नेता अमित रियांग उपस्थित था। जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं लेकर सामान्य जनजाति तबके के लोगों की मौजूदगी पर नजर थी। आज की रैली क्षेत्र के चारों ओर घूमती है, जिसमें 4.5 मील का बाजार भी शामिल है। बारिश को नजरअंदाज करते हुए आज की रैली में सभी ने भाग लिया। 4 मील बाजार चीनी त्रिपुरा सरकार मियापुर चीनी एडीसी इलाका टाउन कमिटी गठन खैमानी बागे एवं दीर्घ 25 बस कम्युनिस्ट आमल से चीनी जनजातिर जे अधिकार चीनी जनजातिर मानफाई अपन वंचित खैमानी एवं अब ताबुंगी सीमिया टाउन कमिटी दीर्घ दिन धरे एडीसी जे कायतम अब जीवन और त्रिपुरा राज्य जनजातिर पा सीपीएम रक्त बड़ा खाइनो कितु प्रत्येक इलेक्शन जनजातिर उन्नयन निकाओ खाग जनजातिर हम कराइ निकाओ सही प्रत्येक इलेक्शन तुम्हें बैतर पार हो तीन बीजेपी सरकार ये अल्प समय बीजेपी और आईपीएफ की जोट सरकार जे ये अल्प समय जे चीनी बीजेपी रिनी राज्य मुख्यमंत्री राज्य उपमुख्यमंत्री आईएनपी आईपीएफ की और बीजेपी जोट सरकार जे चीनी जनजाति एडीसी इलाका जे टाउन कमिटी गठन खाचा एवं ग्राम उन्नयन नगर पंचायत है जे एलाका उन्नयन खाइनानी बाबे एडीसी न जे राज्य सरकार या रिखा काजे चौंती धन्यवाद जानाई चीनी कैसार 4 मेल जे रैली उन्ना चीनी राज्य सरकार राज्य आईपीपी एवं बीजेपी जोट सरकार न धन्यवाद रैली खाइनानी बाबे चीनी एक दिन जो मियापुर दलाई डिस्ट्रिक्ट विभिन्न जगह जो रैली खाइका तब चीनी ब आम बासा विधानसभा केन्द्र विभिन्न जगह आम बासा उपनगर नालियाफा बागमारा विभिन्न जगह कचुछरा चीनी धन्यवाद रैली उन्ना काजे आम आशा खाइ त्रिपुरा राज्य एकमात्र विकल्प जनजाति लामा जनजाति दिशा त्रिपुरा राज्य ने दिशा उन्नयन ने दिशा शांति संप्रीति ने एकमात्र दिशा भारतीय जनता पार्टी सरकार त्रिपुरा ने शांति संप्रीति सरकार बीजेपी सरकार धन्यवाद।